सबसे पहले गैस को ऑन करके फिर उसमें हम चावल डालेंगे। हमने गैस ऑन कर ली है। गैस को मीडियम फ्लेम ऑन करना है, हमें ज्यादा तेज गैस नहीं करना है। इसको हिलाते रहना अच्छे से ताकि जो हमारे चावल है वो नीचे लग जाए। थोड़ा सा गर्म करेंगे इसको। इसके बाद एक गिलास पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे लगातार हिलाते रहना अच्छे से और इसको अच्छे से मैश करना है हमें। जब तक हमारे जो चावल है वो मैश ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। देखिए इसमें थोड़ा सा बॉयल आ गया, ऐसे हमें लगातार हिलाते रहना है। जब तक ये अच्छी तरह से मैश ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। यानी कि इसका जो घोल है वो बनाना है हमें। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अजवाइन डालेंगे, जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से मैश हो चुके हैं। देखिए हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे, 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद हम वापस आते हैं चावल के पापड़ कैसे बनाते हैं। हमने 5-10 मिनट के बाद उसे ठंडा कर लिया है। तो उसके बाद हम पॉलीथिन लेंगे, हाथों की सहायता से हम थोड़ा सा ऑयल उसको पकड़ा लेंगे अच्छे से। अब हम जो हमें चावल बनाए थे वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फुलाएंगे कच्ची की सहायता से। हमें इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पतला ही रखना है इसे। ऐसे करके हमें सभी पॉलिथीन पर जो चावल है वो हमें फैला लेने हैं। उसके बाद हमें ऐसे 1 घंटे के लिए धूप में रख देना है और उसके बाद हम इसे जो हमारे चावल के पापड़ है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए जो हमारे पापड़ है वो सूख गए हैं अच्छे से। अब जो हमारे जो पापड़ तलने के लिए तैयार हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे अपने पापड़ डालेंगे, फ्राई करेंगे इसको। ऐसे करके हमें जो सभी पापड़ है उन्हें फ्राई करना है।
हमारे पापड़ है वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप उसे सुबह चाय के साथ या शाम को चाय के साथ इसे खा सकते हैं। धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।